अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो रोटियां दीजिए। जरूर। सुना है रोटी की कीमत बढ़ गई है। ठीक सुना आपने, बढ़ गई है। आप जब चाहें कीमत बढ़ा देते हैं। नहीं, कीमतें तो रियासत बढ़ाती है। दारुल खिलाफा के कोने कोने में जाइए, सस्ती रोटी नहीं मिल सकती। क्या आप जानते हैं 100 साल पहले अब्दुल हमीद अव्वल ने नान भाइयों के साथ क्या किया था? नहीं, क्या किया था? उन्होंने कीमतें बढ़ाने वाले 3 नान भाइयों को चौक पर लटकाने का हुक्म दिया था। आपको सुल्तान अब्दुल हमीद का डर नहीं है? ओहो जनाब, सुल्तान तो अभी अपने महल में बैठे फ्रेंच रोटी खा रहे होंगे और साथ में कॉफी पी रहे होंगे। जब तक सुल्तान को पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। जो अमीर है वही खा सकता है। ठीक कहा आपने, बेहतर है एहतियात करें। हमने बहुत से लोगों का गला घुटते हुए देखा है जब वो अस्कुदार से गुजरते हैं। आप बस रोटी लेके जाइए। बेटा क्या कीमत है? कीमत बढ़ गई है अम्मा। कल तो हमने आधी कीमत पर खरीदी थी। अगर पैसे नहीं है तो बहस मत कीजिए, जाइए। बेटा ये रोटी काट दो, हम आधी ले जाएंगे। क्या सोच के कहा है आपने ऐसा? और आधी का क्या करेंगे हम? चलिए जाइए। कैसी हैं आप? हम शुक्र गुजार हैं। हमने ये रोटियां खरीदी थी लेकिन बाद में ख्याल आया घर में काफी ज्यादा रखी हुई हैं। ये बासी हो जाएंगी, ये आप ले लीजिए और हमें गुनाहगार होने से बचा लीजिए। नहीं हम नहीं ले सकते। हमें इन्हें फेंक कर गुनाह करने से बचा लीजिए, रख लें। आपका शुक्रिया। आलीजा, आज हमने एक बूढ़ी खातून को बेकरी के सामने देखा। महल की बेकरी के सामने? नहीं, अय्यूब सुल्तान की बेकरी में। क्या आप बाहर गए थे? हमें बाहर रहना है जितना ज्यादा हम अंदर रहते हैं बेदार सुल्तान, लेकिन हमारी ख्वाहिश है ये गैर मानुस रहे। समझ गए, फिक्र मत कीजिए। इस कौम का एहसास वकार बुलंद है, ये हमारे लिए दुआ करती है, लेकिन अहम ये है इससे दुआएं खैर लेते रहें। जो औरत हमने आज बेकरी के पास देखी उसके पास रोटी खरीदने के पैसे नहीं थे। आलीजा फिक्र मत कीजिए, आप सब लोगों का दर्द नहीं बांट सकते। दरियाए फरात के पानियों में कोई भेड़िया मेमने को खाता है तो अल्लाह हमसे पूछता है, ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं। क्यों ना हो परेशान। बेदार खातून, महल के बावर्ची सुबह तक काम करेंगे, वो पूरी रात रोटियां बनाएं, वो खाना नहीं पकाएंगे। हम फौज के बावर्ची खाने में भी इतला करेंगे, वो भी काम करेंगे। जैसा आप कहें आलीजा। आपके जहन में क्या है?